सहारनपुर पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। 9.60 लाख रुपए नकद, 50 लाख कीमत के गहने किए बरामद। नगर कोतवाली व थाना गागालहेडी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई। बस में चोरी करने वाले दोनों चोरों को किया गिरफ्तार। जी सर, क्या पूरा मामला था ये, जो बस में एक बैग से कुछ जेवरात और नकदी चोरी हुई थी, किस तरीके से पुलिस ने इसमें काम किया है और क्या कुछ बरामदगी इसमें हो गई है? जी हाँ, ये 3 तारीख की घटना है, इसी महीने की 3 तारीख की घटना है। ये जो हमारी वादनी है, बुजुर्ग महिला हैं, ये मुख्य रूप से हरिद्वार रहती हैं। इनके जो भाई हैं वो कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश कैंप एरिया में माधव नगर कॉलोनी है, वहाँ पे इनके भाई रहते हैं। ये अपने भाई के यहाँ एक दिन पहले आई थी और इनका कुछ पुरानी FD PPF का पैसा और इनके कुछ पुराने जेवरात इनके भाई के यहाँ रखे हुए थे, जिनको ये एक ट्रॉली बैग में रख कर वापस अपने भाई के साथ बस से हरिद्वार जा रही थी। तो इसी बीच इनको अंदेशा हुआ, छुटमलपुर के आसपास इनको अंदेशा हुआ कि इनके ट्रॉली बैग का जो लॉक है वो तोड़ दिया गया है और उसमें से जो भी ये मूल्यवान चीज़ें थीं, पैसे थे और जो जवाहरात थे वो निकाल लिए गए हैं और उनका चोरी हो गई है। तुरंत वहाँ पे इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें कोतवाली नगर में जब ये रात को पहुँचती हैं कोतवाली नगर थाने में, इनकी FIR पंजीकृत की जाती है, तभी से तफ्तीश स्टार्ट हो जाती है। इसमें जैसे कि इनके द्वारा बताया गया था कि जहाँ ये लोग उतरे थे, जिन पे ने शक था ये लोग उतरे थे, वहाँ के CCTV कैमरे देखे जाते हैं और CCTV कैमरे के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि ये दोनों जो संदिग्ध हैं, ये दोनों वहाँ पे बस से उतरे हैं, इनके पास एक भारी बैग है जिससे चलते हुए वापस ये किसी 3-व्हीलर में बैठ के वापस सहारनपुर की तरफ से आए हैं, छुटमलपुर की तरफ से। उसके बाद जो कस्बा गागलहेडी है वहाँ पे भी कैमरे देखे जाते हैं, चौकी पे जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, उन कैमरों की मदद से इनके रूट को और ट्रैक किया जाता है। और जब ये इनका चेहरा और कदकाठी स्पष्ट हो जाते हैं तो मुखबिर की मदद लेकर इनको आइडेंटिफाई करके आज सुबह को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पास से भारी बरामदगी होती है, जो पूरा का पूरा पैसा गया था, जेवर गए थे 672 ग्राम, कुछ ऐसे पीली धातु तो सोना है उसके जेवरात मिले हैं और कुछ 9,60,000 रुपये इसमें बरामदगी हो गई है। और इसमें हम आगे की कार्रवाई इस तरह करेंगे कि जो जितनी भी हमारे पास बरामदगी हुई है ये वादनी मजिस्ट्रेट इसका हमने ही शिनाख्त करेगी और अभियुक्तों की भी शिनाख्त होगी, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। सर, जो दोनों चोर हैं, इनका क्या पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है, जिस तरीके से बस में चलते हुए उन्होंने चोरी को अंजाम दिया, क्या पहले भी बस में? जानकारी मिली है, ये दोनों ही चोर जो हैं वो हमारे सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। एक सरसावा थाना क्षेत्र का रहने वाला अलीपुर गांव है और दूसरा उसी के पास में कुतुब शेर थाना क्षेत्र में इस्माइलपुर के गांव है, वहां का रहने वाला है। ये दोनों 1.5 साल पहले मिले थे और इन दोनों ने ये योजना बनाई है। और ऐसे हमारे पास सूचना आ रही थी कि बसों में बैठ के काफ़ी चोरी की घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि बाकी चोरियों में भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनका क्या रोल है, क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक इनके आपराधिक इतिहास की अभी जानकारी की जा रही है, अभी जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे ही जानकारी होगी उसके अनुसार हम इसको केस डायरी में लाकर आगे इन पर कार्रवाई कराएंगे। सर, त्रिनेत्र जो है CCTV कैमरा का जो एक... जी हाँ, इसमें CCTV लगाने का जो अभियान चलाया गया है शासन स्तर से, मुख्यालय स्तर से, इसको ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जैसे आप स्टोरी में ही देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लाइंड चोरी थी और ऐसी चोरी थी कि जिसमें एक बस में चोरी हुई है, जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बस के बहुत स्टॉप होते हैं, उसमें कितने लोग बैठते हैं। लेकिन ये CCTV फुटेज ही थी जो हमें छुटमलपुर में, गागलहेडी में, जो इनकी स्पष्ट हमें फ़ोटो आ पाई और उसके हम इनको पकड़ने में सफल रह पाए। सर, टीम को क्या इनाम है? जी हाँ, इसमें SSP सहारनपुर सर की तरफ से इसमें पूरी टीम को, जिन्होंने इसमें काम किया है, उसमें 21,000 रुपये मिले हैं। इसमें मुख्य रूप से काम करने वाले हमारे गागलहेडी इंस्पेक्टर सुनील नागर और कोतवाई नगर इंस्पेक्टर नीरज और इसमें नुमाइश कैंप चौकी इंचार्ज रवि धामा थे।